इधर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम शिवराज एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीएमसी के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारा प्रयास रहेगा कि कोविड की तीसरी लहर ना आ पाए। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। प्रदेश में 94% लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है, जबकि 75% लोगों के दोनों डोज पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उनके साथ परिवहन मंत्री भी थे गोविंद सिंह राजपूत और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव, और वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया किस तरह से काम चल रहा है, काम में कितनी तेज़ी है। कलेक्टर से भी उन्होंने वहाँ पर बातचीत की और तीसरी लहर ना आ पाए उसके पहले स्वास्थ्य विभाग की, मेडिकल टीम की, स्वास्थ्य महकमे की, स्वास्थ्य अमले की क्या तैयारी है, इन पर भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उसके लिए आवश्यक सारी व्यवस्थाएं, विशेषकर वैक्सीनेशन की। मध्य प्रदेश में 75% से ज्यादा दूसरा डोज लग चुका है, 94% पहला डोज लग चुका है। तो पहली कोशिश ये है कि कोविड की तीसरी लहर को हम आने से रोकें। उसके लिए सबसे सहयोग की अपील है, मीडिया के माध्यम से, जनता से भी, लेकिन तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और इसलिए आज मैंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का अपने साथियों के साथ कोविड से निपटने की जो तैयारी है उनको देखा है। यहाँ इनके पास 88 आईसीयू बेड तैयार है, भगवान ना करे उनकी जरूरत पड़े। उनमें वेंटिलेटर, उनमें ऑक्सीजन की लाइनें, वो ठीक से काम कर रही हैं।